ये मारुति सुजुकी अल्टो K10 VXI गाड़ी है। इसमें आपको देखिए बोट लगने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं और नॉब डोर आप साइड मिरर को एडजस्ट करेंगे। राइट साइड में एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि आप मैनुअली करेंगे। इससे दोनों की सिंपल दी गई है, रिमोट की नहीं मिलती। देखिए इसमें MID में आपको कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं और क्लॉक बताएगा, किलोमीटर शो करेगा, फ्यूल शो करेगा और कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं। डिजिटल मीटर दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें आपको SRS एयरबैग्स का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिल जाता है, 3 स्पोक व्हील के साथ। राइट साइड में हेडलाइट के, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स, 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, USB ऑक्स के ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको इसमें, देखिए। और नीचे आएंगे तो पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ्रंट के दोनों डोर पावर विंडो दिए गए हैं, रियर के दोनों डोर आपको मैनुअल मिलेंगे। यहाँ पे हजार्ड का स्विच मिल जाएगा, AC के कंट्रोल्स, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, बोर्ड लिखने का स्पेस मिल जाता है। गियर लीवर 5R1 लीवर्स के साथ, हैंड ब्रेक लीवर, ये आपका ग्लो बॉक्स जो बहुत ही बढ़िया स्पेस ही है। एक SRS एयर बैग और दिया गया है, को ड्राइवर साइड देखिए, ये यहाँ पे भी आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, बोट लिखने का स्पेस, स्पीकर मिलते हैं। स्पीकर आपको 2 ही दिए गए हैं इसमें, बोट लिखने का स्पेस मिल जाता है जो कि फ्रंट के दोनों डोरों पे मिल जाते हैं। रियर के डोरों में आपको स्पीकर नहीं मिलते और ना ही बोतल होल्डर रखने का स्पेस मिलेगा रियर के डोरों में। और ये अपोस्टली आपको डुअल टोन में दी गई है। फ्रंट में आपको सनवाइजर दिया गया है, रीडिंग लैंप मिल जाता है, IRVM नॉर्मल मिलता है, डे नाइट नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड सनवाइजर, ग्रिप असिस्टेंट। तो फ्रंट डोर का इंटीरियर तो आपने देख लिया पूरा, चलिए रियर डोर का इंटीरियर भी देख लेते हैं। ये रियर डोर का इंटीरियर है, इसमें आपको देखिए चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाएगा। ये वाला डोर मैनुअली दिया गया है, मैनुअली ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे स्पीकरों की जगह दी गई है, आफ्टर मार्केट स्पीकर लगवा सकते हैं। तो इसमें आप आफ्टर मार्केट स्पीकर लगवा सकते हैं और डोर मैनुअली दिया गया है। तो रियर के दोनों डोर आपको मैनुअल दिए गए हैं, फ्रंट के दोनों डोर आपको पावर विंडो मिल जाते हैं। इसमें हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, देखिए हेडरेस्ट इनमें नहीं मिलते और रियर की सीटों में भी हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, फिक्स्ड दिए गए। अपोस्टी डुअल टोन में मिल जाएगी, ये वाला डोर भी मैनुअल दिया गया है। यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं मिलेगा, स्पीकरों की जगह दी गई है, जैसे कि बोट लगने का स्पेस इसमें नहीं मिलता। लेगरूम तो आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लेगरूम है, लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली आपको इस गाड़ी में। देखिए यहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है, 1 लीटर की बोतल आप रख सकते हैं इसमें आसानी से। लेगरूम बहुत ही बढ़िया है और ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में। और जैसे कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ, उसमें डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक आप देख रहे हैं, अल्टो K10 VXI गाड़ी की फ्रंट डैशबोर्ड की लुक भी आपने देखी। तो यही था इस वीडियो में, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।